इस सीक्रेट मसाले से शिकंजी बनाओगे ना तो शिकंजी का स्वाद कई गुना बढ़ जाएगा। तो स्टार्ट करूं मैं मसाला बनाना, तो उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नीचे रेड बटन को दबाकर, ठीक है? चलो शुरू करते हैं। हे फ्रेंड्स, वेलकम टू चोपड़ास किचन। अगर शिकंजी अच्छे लगे ना तो लाइक भी कर लेना इस वीडियो को। मसाला बहुत अच्छा बन गया है। तो ये मसाले में यूज़ होने वाले कुछ मसाले हैं। ये काली मिर्च ली है मैंने लगभग 1 चम्मच, ये जीरा 1 चम्मच है, चीनी 1 चम्मच, काला नमक 2 चम्मच है, और मैंने ये वाला चम्मच से नापा है। आप अपना हिसाब से जैसे भी नापना चाहे नाप सकते हैं। और जीरे को मैंने 2 पार्ट में रखा है, ये एक को हम रोस्ट करेंगे और एक को ऐसे ही रखेंगे। ये एक बड़ी इलायची ली है मैंने, 2 दालचीनी की स्टिक, 5 लौंग और 2 छोटी इलायची। ये एक ग्राइंडर है मिक्सी का मसाला पीसने का, तो इसमें से 1 पार्ट जीरे को तो आप ग्राइंडर में डाल दीजिए। और साथ ही में ये चीनी भी आप ग्राइंडर में डाल दीजिए। अब बाकी को हम सबको रोस्ट करेंगे। ये मैंने एक सॉस पैन ले लिया है, अब इसमें सारे मसाले मैं ऐड कर दूंगा। जीरा ऐड कर दिया 1 चम्मच, ये सी सॉल्ट है, सफ़ेद नमक जिसे बोलते हैं, 1 स्पून, ये काली मिर्च 1 चम्मच, काला नमक 2 चम्मच। ये इस क्वांटिटी के हिसाब से काली मिर्च और ये मसाले लिए हैं मैंने। बाकी आप अगर नमक की क्वांटिटी बढ़ाते हो तो इसकी क्वांटिटी भी बढ़ानी पड़ेगी आपको। ये सारे मसाले इसमें डाल दिए हैं, अब इसे हम रोस्ट करेंगे लगभग 3-4 मिनट। गैस मीडियम रखनी है। अब मैंने इसको रोस्ट कर लिया था अच्छे से मसालों को। ग्राइंडर में जो वो है उसे हम अभी रखेंगे, फिर इसके साथ सब मसालों को हम ग्राइंड कर देंगे मिक्सर में। बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी है, मसाला गर्म होने लगा है, और जब ये चटकने लग जाए जीरा और काली मिर्च, देखो ये चटकने लग गया है, तो इसका मतलब ये अब अच्छे से रोस्ट हो गया है। इसे ज़्यादा भी नहीं रोस्ट करना। तो अब आप गैस बंद कर दीजिए अपना। अब ये अच्छे से हिला लिया मैंने, अब इसे मैं ग्राइंडर में बाकी मसालों के साथ ऐड कर दूंगा। इसे सावधानी से करेंगे ठंडा करके थोड़ा सा। चलिए अब इसे ग्राइंड कर लेते हैं हम। ये देखिए, इसे मैंने बहुत अच्छे से बारीक ग्राइंड कर लिया है। जितना बारीक कर सकते हैं आप कर लीजिए। तो मसाला बहुत ही अच्छा बन के तैयार हुआ। चलिए अब मैं एक सादे नींबू पानी बनाकर उसमें ऐड करके दिखाता हूँ आपको कितना प्यारा कलर आएगा। तो मैंने ये सिंपल शिकंजी बनाई है। पानी, ठंडा पानी लिया, नींबू लिया है और इसमें चीनी डाल दी है मैंने। अब इसमें मसाला मैं ऐड करूँगा, जैसे ही इसका स्वाद कई गुना बढ़ जाएगा। ये मैंने इतना मसाला ऐड करा है, आप चाहे तो ज़्यादा कर सकते हैं, मुझे तो इतना ही पसंद है। देखिए कितना अच्छा कलर आया शिकंजी का, बिल्कुल जैसे बाज़ार में मिलती है। मोदी नगर की शिकंजी शायद आपने पी हो, बहुत फेमस शिकंजी है। आप ये वाली शिकंजी बनाकर पी लेना एक बार, और मोदी नगर की पी लेना, आपको पता चल जाएगा कि कौन सी शिकंजी ज़्यादा अच्छी है। तो इस गर्मियों में, जून जुलाई की गर्मियों में, अपने फ्रेंड्स को, अपने गेस्ट को ये शिकंजी पिलाइए। चलिए ये टेस्ट कर रहा हूँ मैं। ओह, मज़े आ गए, बहुत ही टेस्टी शिकंजी बनी है।
तो आपसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मसाला बहुत ही पसंद आएगा। तो चलिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नीचे दिए गए रेड बटन को, और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, और इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि सब लोग गर्मी में शिकंजी का मज़ा ले सकें। और जब तक मेरे चैनल को देखते रहिए, जल्दी नई रेसिपी के साथ आऊँगा फिर से। टिल देन कीप वॉचिंग चोपलास किचन। बाय बाय।